नया चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, तृतीय पाठ स्वावलंबनम। ठीक है, तो ये स्वावलंबनम का अर्थ क्या है? स्वावलंबनम का अर्थ है कि अपना काम खुद करना। ठीक है, अपना कार्य को स्वयं करना चाहिए, स्वावलंबनम। तो जो काम खुद का है, खुद के काम खुद को करना चाहिए और खुद के काम अपने बल पर करना चाहिए, उसको कहते हैं स्वावलंबनम। ठीक है, तो हम हमारे काम के लिए किसी के ऊपर निर्भर करेंगे तो वो व्यक्ति क्या होता है, हमेशा दुखी रहता है। जो व्यक्ति अपना काम हमेशा खुद करता है और समय के हिसाब से करता है, वो व्यक्ति हमेशा खुशी रहता है, खुश रहता है हमेशा। इसीलिए खुद के काम खुद को करना चाहिए, अपने अपना कार्य खुद को करना चाहिए। ठीक है, और जो व्यक्ति अपना काम खुद के सामर्थ्य पर, खुद के बल पर करता है, उसको कहते हैं स्वावलंबनम, और वो व्यक्ति हमेशा जीवन में सुखी रहता है। ठीक है, तो इस जो ये एक स्टोरी है, ठीक है, ये कथा है, ये एक स्टोरी है, इस स्टोरी में हम किसके बारे में पढ़ेंगे, दो मित्र के बारे में बताया गया है, दो मित्र के बारे में वर्णना किया गया है इस स्टोरी में। और दो मित्र के, दोनों मित्र के बारे में क्या बताया गया कि जो स्वावलंबी मनुष्य क्या होता है, हमेशा सुखी रहता है। जो व्यक्ति हमेशा काम करता है, अपना काम खुद करता है, वो हमेशा खुशी रहता है। लेकिन यो व्यक्ति हमेशा दूसरे के ऊपर निर्भर करता है, वो व्यक्ति क्या रहता है, हमेशा दुखी होता है। ठीक है, तो चलो हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। तो देखो, कृष्णमूर्ति ही श्रीकंठश्च मित्रे आस्ताम। कृष्णमूर्ति और श्रीकंठ दोनों क्या थे, मित्रे आस्ताम, मतलब ये दोनों मित्र थे, ये दोनों दोस्त थे। ठीक है, आस्ताम का अर्थ है थे, क्या थे, मित्र थे, दोस्त थे। कौन कौन, एक है कृष्णमूर्ति, दूसरा है श्रीकंठ। श्रीकंठस्य पिता समृद्ध आस्ताम आसीत। श्रीकंठ जो था उसका पिता क्या थे, बहुत धनवान थे। समृद्ध का अर्थ है धनवान और आसित का अर्थ है थे। उसके पिता जो थे बहुत धनवान थे, उसके पापा बहुत धनवान थे। अतः तस्य भवने सर्वविधानि सुख साधनानि आसन। अतः इसलिए तस्य भवने उसके घर में, तस्य का अर्थ है उसके, भवने का अर्थ है घर में, उसके घर में सर्वविधानि सब कुछ, सब प्रकार के सुख साधनानि आसन, सब प्रकार के सुख साधन थे। ठीक है, जो चीज़ चाहिए उसके घर में एक सुखी इंसान रहने के लिए, हर कुछ चीज़ उसके घर में था। ठीक है, क्यों था, क्योंकि उसके पापा बहुत धनवान थे, उसके पापा के पास बहुत सारे पैसे था। किसके पापा के पास था, श्रीकंठ के पापा के पास। ठीक है, तो दो दोस्त थे, एक दोस्त के नाम है कृष्णमूर्ति, दूसरे दोस्त का नाम है श्रीकंठ। श्रीकंठ के पापा जो थे बहुत धनवान थे, उनके पास बहुत सारे पैसे था, इसलिए उनके घर में हर सुविधा था। ठीक है, सुख के साधन था। तस्मिन विशाल भवने चत्वारिंशत् स्तंभः आसन। उनके विशाल घर में, उनके बड़े घर में क्या था, विशाल का अर्थ है बड़े, भवन के अर्थ है घर में, उनके बड़े घर में क्या था, 40 खंभे थे। ठीक है, चत्वारिंशत् का अर्थ है 40 खंभे थे। ठीक है, खंभे का अर्थ क्या है, पिलर। ठीक है, 40 पिलर्स था, 40 खंभा था। तस्य अष्टादश प्रकोष्ठेषु पञ्चाशत् गवाक्षाः चत्वारिंशत् द्वाराणि षड्त्रिंशत् विद्युत व्यंजनानि च आसन। तस्य अष्टादश प्रकोष्ठेषु, तस्य मतलब उसके, अष्टादश का अर्थ है 18। ठीक है, अठारह कमरेषु प्रकोष्ठेषु का अर्थ है कमरे, 18 कमरे में क्या था, पञ्चाशत् गवाक्षा, उसके 18 कमरा था, 18 कमरा था, उसमें पञ्चाशत् गवाक्षा था। पञ्चाशत् मतलब 50 खिड़कियां था, गवाक्षा का अर्थ है खिड़कियां, के कितना खिड़कियां था, 50। ठीक है, 18 कमरा था, 18 कमरा से कितना कमरा था, 18 कमरा था। ठीक है, 18 कमरा था, 18 कमरा से 50 में क्या था, खिड़की, 50 खिड़की था। चत्वा
चतुश्चत्वारिंशत् द्वाराणि। चतुश्चत्वारिंशत् का अर्थ है 44, ठीक है। द्वाराणि था मतलब दरवाजे, ठीक है, 44 दरवाजे थे। षड्त्रिंशत् मतलब 36 विद्युत व्यंजनानि च आसन, विद्युत व्यंजनानि था, ठीक है। 36 क्या था, पंखे, विद्युत व्यंजनानि का अर्थ है पंखे, पंखे थे। तो क्या क्या था चलो हम देख लेते हैं और एक बार, उसका कितना था, 18 कमरा था, ठीक है। अष्टादश का अर्थ है 18 कमरा था। 18 कमरा में क्या था, 50 खिड़कियां था। फिर क्या हुआ, और 44 दरवाजा था, ठीक है। द्वारणी का अर्थ है दरवाजा, तो 44 दरवाजा था। उसके बाद क्या था, 44 दरवाजे के बाद 36 पंखे थे, ठीक है। 36 विद्युत व्यंजनानी का अर्थ है फैन या पंखे, पंखे थे, ठीक है। आप लोग को समझ में आया, कितना कमरा था, 18 कमरा था, 50 खिड़कियां था, 44 दरवाजा था, 36 फैन पंखे थे, ठीक है। तत्र 10 सेविका निरंतर कार्यं कुर्वन्ति स्म। फिर उसके बाद क्या हुआ, 10 नौकर, ठीक है। 10 का अर्थ क्या है, 10 नौकर क्या कर रहे थे, निरंतर मतलब हमेशा लगातार कार्यं कुर्वन्ति स्म, काम करते थे, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया आप लोग को। आगे देखो, परम कृष्णमूर्ति है माता पिता च निर्धनो कृषक दंपति। परम लेकिन कृष्णमूर्ति है, कृष्णमूर्ति के माता पिता, माता पिता क्या थे, निर्धनो कृषक दंपति, वो क्या थे, किसान पति पत्नी थे, ठीक है। निर्धन का अर्थ है उनके पास पैसे नहीं था, वो एक किसान थे, किसान पति पत्नी थे। तस्य गृहम आडंबर विहीनम साधारणम च आसीत। तस्य गृहम, उनके घर क्या था, उसका घर क्या था, आडंबर विहीन, मतलब आडंबर का अर्थ क्या है, दिखावा, दिखावा साधारणम च आसत, दिखावा रहित और साधारण था। उसके घर में जैसे कि श्रीकंठ के घर में बहुत कुछ सामान था, सुख सुविधा था, लेकिन नीलक कृष्णमूर्ति जो था उसके घर में वो सब चीज़ नहीं था, ठीक है। आडंबर विहीन मतलब वो आडंबर नहीं था, दिखावा नहीं था, इतने कुछ सामान नहीं था, सुख सुविधा नहीं था। क्यों नहीं था, क्योंकि उसके पापा कृषक थे, ठीक है, निर्धन थे, कृषक थे, इसीलिए।